हेलो नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे करेंगे हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं रेंजू इतने ज्यादा लव स्टोरी वाली नॉवेल्स ले आता है ताकि वो वेनवेन की मदद कर सके उसका फ्रेंड उसे ऐसे देखकर कहता है कि क्या तुम्हें वेनवेन से प्यार हो गया है रेंचू कह लगता है की नहीं, नहीं मुझे क्यों प्यार होना है उससे फिर वेमवे ऐसी मिलने के लिए जाता है उसे बताने लगता है की तुमने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखना है इससे उसको तुमसे प्यार हो सकता है वेरवेन उसकी बात सुनने के बाद वहाँ से जाने लगते हैं तो जो उसे वेट कहता है और वेरवेन जब उसकी तरफ देखने लगते है तो रेंचो उसकी आंखों में देख रहा होता है फिर कहता है की नहीं नहीं ये नहीं, नहीं हुआ हमारी तरह वैनवेन को भी नहीं समझ आता की इसने बोला क्या है और वेवेन रेंचो की बात को दिमाग में रखते हुए क्लास में चली जाती है और वैंग यूयन के आगे जाकर बैठ जाती है पहले तो ऊंची ऊंची पढ़ने लगती है तो वैंग यून उसकी तरफ देखने लगता है मौके का फायदा उठाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगती है पर यूंग उसे ऐसे देख कर डर होता है वहाँ से डर के भाग जाता है रेंचो को मैसेज करके कहती है कि मुझे लगता है की मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है और वे रेंचू के पास उदास बैठी होती है तो रेंचू कहता है की मैं तुम्हें एक लड़के से मिलवाता हूँ उसे तुम्हें पता लगेगा की फर्स्ट साइड लव क्या होता है और वो लड़का कोई और नहीं शिबाई ही होता है वैनवेन कहने लगती है की तुम्हें फर्स्ट साइड लव हुआ था वो क्या व्यंग थी शिबाई बताने लगता है की वैंग को मैंने पहली बार डांस करते हुए देखा तो तभी मुझे उससे प्यार हो गया तो मुझे लगता था कि वो मेरे टाइप की लड़की है मैंने ही उसे जाके पहले किया था और जैसे जैसे मुझे उससे बात करते हुए टाइम गुजरा तो मुझे पता लगा की कि, कि मेरे टाइप की नहीं है जैसे मैंने सोची थी उससे काफी डिफरेंट है तो उसकी फुल स्टोरी सुनते हुए खा रही होती है और कहते हैं की ये स्टोरी सुनते हुए मेरा पेट भी साथ ही फुल हो गया है वैरवेन कहने लगते है की मुझे भी कोई एडवाइस देना फर्स्ट साइड लव करने की तो शिवाही उसे बताने लगता है की तुम्हें बोलना कम है और स्माइल ज्यादा करनी है आती है और उसे फ्लावर देने लगती है पर शिवाई उसे नहीं ले रहा होता कहती की पहली बार तुम ही मेरे पास आए थे मैंने तो नहीं कहा था कि मेरे पास आओ और तुमने व्हाइट ड्रेस भी पहना था वो कहता है कि वो एक कोर था और कुछ नहीं तो वैंग कहने लगती है कि अच्छा तुम इतने अच्छे से याद है तो उसके पीछे पीछे अंदर चली जाती है शिव भाई को वेरवेन की बात याद आती है की वैंग काफी अच्छी लड़की है तुम्हे एक बार उसे मौका देना चाहिए पर तभी शिव भाई सिक्योरिटी को कॉल करता है की यहाँ पर ऊपर एक लड़की आई हुई है इसे बाहर निकालना है और वेरवन दिखाई जाती है जिसने पूरी तैयारी की होती है यो यंग के लिए केक बनाने की तभी उसकी नोस पर थोड़ा केक लग जाता है है से देख रहा होता है तो वैनमेन कहती है की क्या मेरे फेस पर कुछ लगा हुआ है चलो तुम इसको साफ कर दो उसकी क्लोज आ जाती है जो जब उसको इतना क्लोज देखता है तो उसकी पहले तो हार्ट बीट ही तेज हो जाती है और फिर टिश्यू लेकर उसके नो से साफ कर देता है उसे थैंक्स कहती है और फिर कहती है है तुम्हारी शर्ट वो कहता ठीक तो है वैनमेन कहती है की मैं ठीक कर देती हूँ उसके जाके कॉलर को ठीक करने लगती है कॉलर ठीक करते हुए फिर से वैरमेन उसकी काफी क्लोज होती है और फिर से उसकी हार्ट बीट इतनी ज्यादा तेज हुई होती है जब साइड पे होती है तो वो उसे थैंक्स कहता है फिर वो उसे जूस देती है कि तुम पीच वाला वो पीच वाला सिलेक्ट करता है और उसको पीने लगता है तो वेनवेन उसे बताती है की एक साइड लिपस्टिक का मार्क रह गया है तो उस साइड से ना पीना क्योंकि ये इनडायरेक्टली किस ही हो जाएगी ये सुनकर उसको किस करने ही वाला होता है तो पता लगता है कि ये सिर्फ वो इमेजिन कर रहा है और फिर वहाँ से वापस अपने रूम में आ जाता है कहने लगता है कि मैं उसको लाइक क्यों करने लगा हूँ ना वो पढ़ाई में अच्छी है ना उसके ग्रेड अच्छे आते हैं वो किसी लिहाज से अच्छी नहीं है तो मैं उसे लाइक क्यों करने लगा हूँ फिर नेक्स्ट डे वेन रेंचो से पूछे लगते है की मुझे कौन सी ड्रेसिंग करनी चाहिए और क्या पहनना चाहिए बैंको उसे उल्ट ड्रेसिंग बताता है जो लड़कों को बिल्कुल भी नहीं पसंद होती और फिर साथ में कहता है की मुझे एक इंटरव्यू भी देना है इंटरव्यू देते हुए दिखाया जाता है और वैनविन दिखाई जाती है जो रेंचो की बताई हुई ड्रेसिंग करके आती है सब लड़के उसे देखने लगते है वैनविन पहले तो सोचे होती है की क्या लड़को को मैं इतनी पसंद आई और उनको मेरी ड्रेसिंग इतनी अच्छी लगी है फिर वो आगे यूयंग के पास जाती है और उसे जाकर हाई करती है यू यांग उसे देखकर डर जाता है और कहने लगता है कि तुम्हारे आने की वजह से मैं हार क्या हूँ और उन्होंने मुझे मार दिया कहती है की मेरे आने की वजह से नहीं बल्कि तुम तो अंधे हो गए तो तुम्हें तो नहीं नजर आया की तुम्हारे सामने से एनिमी आ रहा है इस बात आरोप गर्मन जाकर एंटो ऐसी लड़ने लगती है कि तुम्हारी वजह से वो लोग तो मुझे इग्नोर कर रहे थे बल्कि उल्टा मुझे डांटे ही लग गया था अभी कहते हैं की उसके बाद मैंने उसके साथ जब गेम खेली तो उसने मेरी तरफ देख के समाइन पास किया और गेम वाला सीन दिखाया जाता है कि जब वो गेम खेल के फारिक होती है तो ये गैंग कहता है कि चलो हम एक दूसरे को वही चैट में ऐड करते हैं और मैं उन्हीं लोगों को व्ही चैट में ऐड करता हूं जो गेम में काफी अच्छे होते हैं उसे साथ में ब्रो कहता है वेरविन ये सुनकर कहने लगती है कि ब्रो तुम तो मुझे कुछ और भी तो कह सकते है ना कोई क्लोज वाला नेम वो कहता है कि अच्छा चलो तुम फिर मुझे सिस कह लेना जैसे मैं तुम्हें ब्रो वैन कहूंगा और तुम मुझे सिस यांग कहोगी ये सुनने के बाद वेनविन सोचने लगती है की इस लड़के को क्या हो गया है दिमाग तो ठीक है इसका वेनविन एंटो को उसकी पॉजिटिव साइड ही बता रही होती है एंटो सोचने लगते है की मैंने हर चीज तो इससे उल्टी करवाई है तो वो इसके साथ अच्छा कैसे हो सकता है वैनविन कहती है की मैं उसको रोज बनाकर केक दूंगी ंचू कहता है कि कोई जरूरत नहीं है और कहती है की क्यूँ मंचू कहे लगता है कि, कि इससे तुम्हारी स्टडी डिस्टर्ब होगी ना तो इसलिए कोई जरूरत नहीं है वेरमिन कहती है कि नहीं मैं इसको फ्री टाइम में कर लूंगी वेरमिन लाइब्रेरी में बैठी होती है तो उसके पेट में दर्द होने लगता है सामने से जॉशियन आ रहा होता है उसके साथ भी आ रही होती है जॉशियन उसे ऐसे देख कर उसके पास जाने लगता है पर उसे रोक देती है और कहती है की वो हमसे नहीं मिलना चाहती तो हम उससे जाके क्यूँ मिले वेरमेन भी उसे देख रही होती है चुप करके अपना काम करने लगती है वेरमेन से वो दोनों साथ में नहीं देखे जा रहे होते इतने में वहाँ रेंचू आ जाता है कहता है की आजो मैं तुम्हें हॉस्टल तक छोड़ देता हूँ उसके साथ ही वहाँ से चली जाती है रास्ते में पीठ से वेनवेन -वेन के पेट में दर्द होने लगता है तो वो एक जगह पे बैठ जाती है और रेंचू से कहती है की तुम यहाँ से चले जाओ इससे पहले कोई देख ले रेंचू भी उसके साथ ही बैठ जाता है वेनवेन -वेन कहते हैं है की डॉक्टर ने कहा की तुम्हे कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है वो कहता है की क्या तुम्हे सोया मिल्क पीने की जरूरत है वो कहती है की हाँ जब जोशियन था तो वो मुझे ला कर देता था यह बात सुनने के बाद वो उसका बैग उतरवाता है उसे कहता है की मैं इसको हॉस्टल में छोड़ दूंगा और तुम खुद आ जा मैनमेन उसे ये भी बताती है की मुझे नहीं लगता जैसा मैंने लड़का यू यंग सोचा था वैसा है रेंचू कहने लगता है की फिर क्या तुम उससे बात करने की कोशिश करोगी की नहीं वैरवे कहते है की वो मैं करूंगी और फिर जब अपने हॉस्टल में वापिस आती है तो उसकी फ्रेंड कहने लगती है, है की तुम्हारा बैग रेंचू दे गया था और बताया था की तुम्हारे पेट में दर्द हो रही है कहती है की हाँ अब मैं ठीक हूँ और अपनी फ्रेंड से कहने लगती है कि क्या मुझे यंग से बात करनी चाहिए क्योंकि वो वैसा लड़का नहीं जैसा मैंने सोचा तो उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम ऐसे ही सोच रही हो बिहार खुद खुद तुम दोनों के दरमियान पैदा हो जाएगा बस तुम्हें पीछे नहीं हटना चाहिए नेक्स्ट डे वेरविन उसे केक देने के लिए आती है जो यू यांग के लिए उसने बनाया था और रेंचू को कहने लगती है कि गुड लक तुम्हारे इंटरव्यू के लिए और फिर उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास वो कॉन्ट्रैक्ट है मैं उसे देखना चाहती हूँ रेंचू कहता है कि उसकी कॉपी तुम्हारे पास भी तो है ना तुम अपने पास से खुद ही देख लो वो कहते है की नहीं मैं तुम्हारा देखना चाहती हूँ रेंचू कहता है कि क्या तुमने अपने वाला घुमा दिया है अगर तुमने घुमा दिया है तो हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा वर्मिन कहे लगती है कि नहीं नहीं वो मैं असल में घर में भूल आई हूँ तो इसलिए मैं तुम्हारा देखना चाहती थी पर वो उसे नहीं देता और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए सोया मिल्क बनाया है और उसको वही चेक करवाता है पर वैरवेन को वो पसंद नहीं आता और कहते हैं कि इसका टेस्ट वैसा नहीं है जैसा मैं पीती थी रेंचो तो वहाँ से आने के बाद सोया मिल्क में डलने वाली हर चीज को रूम में ही ले आता है और अपने फ्रेंड को भी चेक करवाता है उसको भी नहीं पसंद आता फिर वो एक नया बनाता है और वैरवेन को दोबारा से चेक करवाने के लिए लेकर जाता है वैरवेन फिर से टैंक के लिए केक देती है और वो उसे मिल्क देता है उसे फिर से चेक करने के बाद बताती है कि ये सही नहीं अगली बार फिर से वो कुछ चीजों को कम करके और कुछ चीजों को ज्यादा करके बना कर लाता है पर वो हर बार कोई ना कोई खामी निकाल देती है फिर एक बार वो ग्लास में बना कर लाता है चोरी चोरी बेनमेन अपने केक को मिल्क में चेंज करने के बाद वहाँ से उठा कर ले आती है और उसे टेस्ट करती है तो वो बिल्कुल सेम टेस्ट होता है जैसा वो पीती थी उसे मैसेज करके बताती है की ये तुमने कहाँ से बाय किया है ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा मैं पीती थी रेंचूज का ये मैसेज देकर खुश हो जाता है अगले दिन में रेंचो दिखाया जाता है जिसको इंटरव्यू वालों की तरफ ऐसी कॉल आती है और वो कहते हैं कि आप पास हो गए हैं अगर आप अभी आना चाहते हैं तो आप अभी हमारे प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर सकते हैं पर रेंचू मेरे की चीजों की तरफ देख कर कहता है की नहीं अभी मुझे स्कूल में बहुत काम है इसलिए मैं आपको अभी कोई भी जवाब नहीं दे सकता और न मैं अभी आ सकता हूँ वो कहते हैं की चलो ठीक है हम आपकी कॉल का वेट करेंगे इतने में वहाँ स्विमिंग पूल वाली जगह पर मैलमन भी आ जाती है लड़के उनको देख कर स्विमिंग पूल में चले जाते हैं और वैरमेन पूछती है की रेंचू कहा है वो बताते हैं कि वो उधर अंदर है और उसके पास अंदर जाती है वो कहने लगती है कि तुम छोटे तो तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया जो मैं केक उसके लिए बनाकर भेजती थी वो एक भी केक तुमने उस तक नहीं पहुंचाया मुझे तो तब पता चला जब उसने बताया कि मुझे मैंगो से एलर्जी है और मैंने मैंगो ही केक बनाया था पर उस तक तो नहीं पहुंचा वो केक कहा गया रेंचू कहता है कि वो केक मैंने खा लिया तो मैं कहने लगती है कि तुम तो मुझे बता देते मैं तुम्हारे लिए दूसरा केक बना देती रेंचू कहता है कि ठीक है मुझे भी केक चाहिए वो कहती है कि अभी मैंने ये नहीं पूछा कि तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए पर तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया अच्छा ही हो तुम्हारा वहाँ पर इंटरव्यू सिलेक्ट हो जाए और वही पर चले जाओ और हमारे दरमियान जो लोग बातें बनाते हैं ना वो भी खुद बुद्ध ही खत्म हो जाएंगे जब तुम यहाँ से चले जाओगे और कहते हैं की कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि तुम मुझे का मॉडल भी दोगे तो अब मुझे वो दो भी कहते है कि चलो ठीक है मुझे वो वाला कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ मैं तुम्हें दे दूंगा कहती है में वो मैं लाना भूल गई हूँ तुम्हारे तो पास भी तो है ना तुम खुद देख लो वो कहता है की मैं अपने वाला स्विमिंग पूल में साथ ही गलती से ले गया था तो अब वो मेरे पास नहीं है वो मुझसे गुम क्या है तो इसका मतलब हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया है और मुझे पता है की तुमने अपना भी खो दिया है तो तुम्हारी और मेरी तरफ से दोनों की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है वो कहती है कि चलो ठीक है मैं तुम्हारी मॉमिटिंग वाली फोटेज निकलवा लूंगी चुके लगता है कि वो सी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ और सिपाही तो वैसे ही इडियट है उसने ऐसे ही बोल दिया था पर वहाँ पर कोई भी मेरी फोटेज नहीं है बैनवन ये सुनने के बाद कहती है की अच्छा तो तुम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए एग्री कैसे हो गए थे वो कहता है की अभी इस बात को छोड़ो तुम यहाँ ऐसी चली जाओ वो वहाँ ऐसी गुस्से में जाने लगती है तो आगे ऐसी इतने ज्यादा लड़के खड़े होते हैं वो उनकी तरफ भी गुस्से से देखकर वहाँ से चली जाती है और रेंचू लाइब्रेरी में बैठा होता है तो लोग बातें कर रहे होते हैं कि जो लोग ये नॉवल पढ़ते हैं उनको फ्री टाइम में भी उन्हीं की याद आ रही होती है जिनसे वो प्यार करते हैं ये सब रेंचू भी रहा होता है यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना